तो बेटा ये क्या है? जंगल जलेबी। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जलेबी की जैसी दिखती हे। है। तो बेटा जंगल जलेबी क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ये मीठी लगती है। क्या लगती है? मीठी। और जंगल में जो पक्षी और बंदर है ना, ये और जंगल में आपको पता आदिवासी लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए बेटा एक तरह से जलेबी है। अब तुम्हें सोचना कि वो इसको जलेबी कहा तो ये जलेबी ही है ना। लेकिन एक बात तो ये है कि ये देखो जलेबी जैसी दिखती है ना, और दूसरा इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इसको जलेबी कहते हैं। तो पहली बात, अगर बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखो, इसके जैसे बेटा अपने चवले की फली और मटर की फली होती है ना, इसी प्रकार बेटा यह है भी पूरी फली है। क्या है ये? फली। ये दिख रही है आपको? जैसे मूंगफली देखी होगी आपने, और मूंगफली के अंदर क्या होता है? बीज। बीज। लेकिन मूंगफली में बेटा अपन बीज को खाते हैं, लेकिन जंगल जलेबी में अपन क्या खाते हैं? तो बेटा ध्यान से देखो, तुम अगर यहाँ देख पा रहे हो तो बेटा इस बीज के चारों तरफ आपको एक सफेद सा पदार्थ नजर आता है, ठीक है? इसको बेटा क्या कहते हैं? एरिल। क्या एरिल। कहते हैं? एरिल। अभी आप इसको बड़ी कक्षा में देखोगे, लेकिन अभी तो इतना समझ लो कि बीज के चारों तरफ एक गूदेदार फ्लेशी मांसल सफेद पदार्थ पाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? एरिल। एरिल। और जंगल जलेबी में इसी को खाया जाता एरिल। है। अब देखो इसके अंदर से बीज निकलेगा, हाँ। ये वैसे ही बीज है जैसे बेटा अपने बबूल के और इमली के होते हैं ना, और मटर का बीज है। तो इसको बोओगे तो आपको पौधा मिलेगा नया। और आपको मैंने कई बार बता रखा है कि हम कभी कभी अलग अलग पौधों में अलग अलग चीज को खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भिंडी में अपन सब्जी बनाते हैं तो फल और बीज, टमाटर में फल और बीज, फल और बीज, मूंगफली में क्या खाते हैं अपन? मूंगफली में बीज खाते हैं, है ना? तो किसी में अपन फल खाते हैं, शकरकंद में क्या खाते हैं अपन? जड़। आलू में क्या खाते हैं अपन? तना। आ रहा तुम्हें समझ में? इस प्रकार अपन जंगल जलेबी में क्या खाते हैं? एरिल, जो बीज के चारों तरफ क्या होता है? एक मांसल और गुदेदार संरचना होती है। जो बेटा यह बीज का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? बीज का भाग नहीं। ये किससे बनता है? बीज वृंत से। किससे बनता है? बीज वृंत से। हाँ, बीज वृंत से या बीजांड वृंत से इसका निर्माण होता है। अब इसका स्वाद आपको थोड़ा सा मीठा लगेगा, इसी वजह से मीठेपन के कारण ही इसका नाम क्या है? जंगल जलेबी। तो कभी आप भी ऐसे जंगल में जाओ और ऐसा पेड़ दिखे तो आप भी वहां से जंगल जलेबी खाना खा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है।